अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हार्ड डिस्क को हमने, यानी कि यह डिस्क को कैसे हमने, ठीक है, अटैच करना है मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, सर्किट बोर्ड के साथ, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, चिप होती है, ठीक है, इससे क्या मुराद है, चिप होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, चिप एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। एक चिप होगी और दूसरी चीज़ साथ क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे, ठीक है, जो कि, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने कंट्रोल द ट्रांसफ़र, यानी जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हम, ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं, उन सब को कंट्रोल करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। किसके दरमियान, ठीक है, बिटवीन डिस्क एंड सिस्टम बस, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, डिस्क और साथ में क्या है, ठीक है, एंड सिस्टम बस, इन चीज़ों के दरमियान इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक डिस्क कंट्रोलर फॉर हार्ड डिस्क इज कॉल्ड हार्ड डिस्क कंट्रोलर। इट कैन बी पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, ये हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड का हिस्सा होता है। इट मे आल्सो बी अ सेपरेट अडाप्टर कार्ड इन द सिस्टम यूनिट, हम इसको अलहदा अडाप्टर कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से, ठीक है, हम इस्तेमाल, ठीक है, अटैच करते हैं, अडाप्टर कार्ड भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा ई आई डी ई, ठीक है, पहली किस्म जो है इसकी ई आई डी ई कहते हैं उसको, इन्हांस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ई आई डी ई, इसको क्या, इन्हांस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इट यूज़ पैरेलल सिग्नल टू ट्रांसफ़र डाटा, ठीक है, ये क्या इस्तेमाल करेगा, पैरेलल सिग्नल्स को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी ग्रुप ऑफ बिट सेंड होंगे एक वक्त में, इसलिए पैरेलल का। द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ दीज इंटरफेस इज़ अप टू 133 MB/s, इनकी स्पीड क्या है जी, 133 MB/s, ठीक है, 133 MB/s तक इसकी स्पीड होती है। आप इसमें जी SSD, रेड एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यानी ये कहाँ इस्तेमाल होगा, हार्ड डिस्क में यूज़ हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा SSD में, ठीक है, रेड वगैरह में और ऑप्टिकल वगैरह में, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ई आई डी ई को, ठीक है। इसके बाद दूसरी टाइप आ गई हमारे पास SCSI, ठीक है, यानी दूसरी जो टाइप है हमारे पास है वो कौन सी है जी, SCSI, ठीक है, SCSI, ठीक है, ये बनता है जी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये इसका स्टैंड फॉर है SCSI का, ये दूसरा कंट्रोलर है हम इस्तेमाल करते, ठीक है। इट, ठीक है, SCSI इंटरफेस यूज पैरेलल सिग्नल एंड कैन सपोर्ट अप टू 8 or 15 पैरेलल डिवाइसेस, ठीक है, आप इसमें, ठीक है, 8 से लेकर 15 पैरेफरल डिवाइसेस को अटैच कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको, ठीक है, इतनी सहूलत देता है। दे कैन सपोर्ट हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, हार्ड टेप ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर एंड नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, सम कंप्यूटर हैव बिल्ट इन SCSI इंटरफेस एंड सम में यूज़ अडाप्टर, कुछ में ये, ठीक है, बिल्ट इन होता है और कुछ में ये हमें, ठीक है, अलहदा लगाना पड़ता है, ठीक है जी, कुछ के अंदर ये बिल्ट इन लगा होता है और कुछ के अंदर आपको अलहदा अडाप्टर कार्ड की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो 640 MB/s के लिहाज से इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, यानी ये बेटर है किसके मुकाबला में, ई आई डी ई के मुकाबला में, उसके मुकाबला में ये बेटर स्पीड रखती है और बेटर परफॉर्मेंस होती है इसकी, ठीक है, इसको हम, ठीक है, SCSI का नाम देते हैं। आप इसके ज़रिए हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, टेप ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर और नेटवर्क कार्ड को अटैच कर सकते हैं। तीसरी टाइप होती है हमारे पास SAS, ठीक है, एस
ES, ठीक है, हमारे पास ये तीसरी टाइप है, हम इसको कहते हैं सीरियल अटैच SCSI, ठीक है, सीरियल अटैच, ठीक है, आगे आ जाएगा SCSI, ठीक है, ये इसका स्टैंड फॉर बनता है सीरियल, यानी मतलब क्या हुआ, SCSI का अगला वर्जन SAS है, इट इज़ न्यू टाइप ऑफ SCSI, ठीक है, यानी ठीक है न्यू टाइप ऑफ SCSI ये हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, ए दैट यूज सीरियल सिग्नल टू ट्रांसफर डाटा, और ये क्या करेगा, ये सीरियल सिग्नल इस्तेमाल करेगा, यानी सीरियल सिग्नल्स के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होगा। मैं थोड़ा सा बता दूँ, सीरियल होता है जिसमें वन बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र होता है, हम उसको सीरियल कहते हैं, और जिसमें ग्रुप ऑफ बिट सेंड होते हैं उसको हम पैरेलल का नाम देते हैं। इट यूज़ थिनर एंड लॉन्गर केबल्स विद लेस इंटरफेस, ठीक है, ये क्या करेगा, ये थिनर केबल को इस्तेमाल करेगा, और इसके अलावा ये लॉन्गर केबल होगी इसमें, ठीक है, जिसके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे SAS को, ठीक है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड सपोर्ट मैनी मोर कनेक्टेड डिवाइसेज एट वंस, द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ SAS इंटरफेस इज 750 MB/s, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 750 MB/s, ठीक है, यानी 750 MB/s। इट सपोर्ट कनेक्शन टू हार्ड डिस्क SSD ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव प्रिंटर, यानी मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास था 640, इसमें 755 है, 750 आ गई, और इसके ज़रिए आप हार्ड डिस्क को, ठीक है, SSD ड्राइव को, इसके अलावा, ठीक है, इन चीज़ों को आप अटैच कर सकते हैं इसके ज़रिए। फिर आता है SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इट यूज सीरियल सिग्नल्स टू ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, द मेन एडवांटेज ऑफ SATA इंटरफेस इज दैट केबल्स आर थिनर, ठीक है, यानी चौथी टाइप हमारे पास कौन सी है जी, ठीक है, SATA, ठीक है, ये बड़ा कॉमन लफ्ज़ है जी, आजकल जो ज़्यादा इंटरफेस आ रहा है ना, ठीक है, वो यही वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं SATA में, ठीक है, इसमें डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे पहले इसका स्टैंड फॉर क्या बनेगा, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है जी, ये इसका स्टैंड फॉर बनेगा सबसे पहले SATA का, ठीक है। इट यूज सीरियल सिग्नल्स टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है, और इसमें आप डाटा जो ट्रांसफ़र करेंगे वो सीरियल की सूरत में होगा, यानी सीरियल टाइप के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होगा, सीरियल सिग्नल्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ SATA इंटरफेस इज़ दैट केबल्स आर थिनर लॉन्गर एंड मोर फ्लैक्सीबल, ठीक है, यानी ये होता है जो केबल होती हैं वो थिनर होती हैं, ठीक है, लॉन्ग होती हैं, और ज़्यादा लंबे फासले तक आप इनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है, SATA को। तो द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ SATA इंटरफेस इज़ आर टू 300 MB/s एंड हायर, इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो 300 MB/s या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। आप इसके ज़रिए, ठीक है, हार्ड डिस्क को, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हमारे पास SSD ड्राइव हैं, ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, SSD ड्राइव है, उनको आप अटैच कर सकते हैं। SATA की एक और किस्म भी है, एक्सटर्नल ड्राइव कैन यूज़ eSATA, ठीक है, जो हमारे पास जो एक्सटर्नल, ठीक है, ड्राइव होती हैं, एक्सटर्नल जो हमारे पास ड्राइव होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं eSATA, यानी जो कंट्रोलर होगा वो कौन सा होगा, अगर हम कौन सा यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वो होती हैं जो हम सिस्टम के साथ अलहदा से अटैच करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल होगा हम उसे क्या नाम देंगे, eSATA का नाम देंगे, ठीक है, यानी मतलब क्या होगा कि अब इसमें स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो डिस्क कंट्रोलर से क्या मुराद है कि वो चिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके ज़रिए हमने डाटा को ट्रांसफ़र को कंट्रोल करना होता है, और इसके अलावा ये डिस्क और सिस्टम बस के दरमियान एक इंटरफेस है, यानी उनके दरमियान ये कनेक्शन है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं,
इसकी हमने चार किस्में पढ़ी हैं, EIDE और SCSI, SAS और SATA। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।